देश 3 मई तक लॉकडाउन है, ऐसे में दूध व्यवसाय तबाह हो रहा है और पशुओं को खाने के लिए चारा भी नहीं मिल रहा। दरअसल मुजफ्फरपुर में दूध व्यवसाय से जुड़े पशुपालक सिर्फ अपने पशुओं को जीवित रखने के लिए चारा दे रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मिठाई की दुकानें, चाय की दुकानें सब बंद पड़ी हैं और इसकी वजह से दूध नहीं बिक रहा है। साथ ही पशुओं को देने के लिए चारा भी नहीं मिल पा रहा। दूर दराज इलाकों से चारा लाकर सिर्फ जीवित रहने के लिए ही पशुओं को चारा दिया जा रहा है। बहुत कठिनाई हो रही है, गाय का पर्याप्त भोजन नहीं खा रही है, यही सब कारण। और अभी दूध का डिमांड कितना, मतलब 0.1 है ना, दूध का डिमांड 0 है। तो किस तरह, मतलब आप लोगों का डेयरी चल रहा है अभी? डेयरी राम भरोसे चल रहा है, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो लोग सेवा करने का मौका है गाय का, वो सेवा करते हैं, जिंदा रखे हुए। इस मामले में जिला पशुपालन पदाधिकारी ने भी कहा है कि लॉकडाउन की वजह से पशुपालक को परेशानियां हो रही हैं, लेकिन लॉकडाउन में कृषि और पशुपालन को छूट दी गई है, किसी को चारा लाने और ले जाने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। पशुओं को एक मेंटेनेंस राशन देना आवश्यक होता है, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखे कि इतना उनके शरीर को स्वस्थ सुंदर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उसके बाद प्रोडक्शन राशन होता है कि दूध जितना हो रहा है उसके अनुसार उनको कंसंट्रेट फीड देना जरूरी होता है। तो जो कि जो हाई यील्डिंग काउस है, जो ज़्यादा दूध देती है, तो उनको जब तक आप प्रोडक्शन राशन नहीं देंगे तब तक आपका दूध मेंटेन नहीं रहेगा। अभी की जो स्थिति है उसमें दूध की खपत कम हुई है, किसान अपने दूध को मिठाई की दुकान बंद हो गई है, चाय की दुकान नहीं चल रही है, तो उसमें जो खपत होता था दूध का वो नहीं हो पा रहा है। तो किसान क्या कर रहे हैं कि कुछ अपने लागत को भी कम कर रहे हैं और उनको जो कंसंट्रेट देना है उसको थोड़ा कम कर दिया है, जिससे कि दूध की भी का उत्पादन उनका कुछ कम हुआ है पहले से, लेकिन उनके स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको स्वस्थ रखने के लिए जितनी आवश्यकता होती है राशन की वो ऑलरेडी वो उसमें है ही, तो इसलिए पशु के स्वास्थ्य पर कोई असर इसका नहीं पड़ रहा है। यही है कि जब चाहेंगे कि हाँ हमको दूध ज़्यादा चाहिए तो उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो दूध का उत्पादन भी हो सकता। उनका किसान जो है, जो अभी जो चारा जो कम कर दिए हैं, उनको क्या ऐसे करना चाहिए जिससे पशु का फिर आने वाले समय में तबीयत भी खराब नहीं हो और उनका जो प्रोडक्शन है वो बरकरार हो जाए? उनको चाहिए कि हरा चारा यदि उपलब्ध हो तो उसकी मात्रा बढ़ा दें, सूखा चारा हरा चारा मिलाकर दें और फीड में मिनरल मिक्सचर को जरूर दें, मिनरल मिक्सचर की मात्रा को कभी कम नहीं करें, क्योंकि मिनरल्स की कमी हो जाएगी तो फिर आगे उनका रिप्रोडक्शन में दिक्कत आएगी। कंसंट्रेट की मात्रा थोड़ा कम दे सकते हैं जिससे कि उनका उनका जो मेंटेनेंस राशन है वो पूरा होता रहेगा और किसी तरह की दिक्कत नहीं है। गर्मी यदि बढ़ती है तो पर्याप्त मात्रा में पानी दिन में 2-3 बार उनको जरूर पिलाएं और जहाँ तक हो सके पशु को छाए में ही रखें, धूप में कभी भी उसको नहीं निकालें। निश्चित तौर पर लॉकडाउन की वजह से सिर्फ पशु पालने वालों को ही परेशानी नहीं हो रही, बल्कि हर व्यवसाय के लोगों को परेशानी हो रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ के लिए मनोज की रिपोर्ट।